after one setback after another. Some respite finally for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the alleged liquor scam. The Supreme Court, while hearing the AAP convener's plea today challenging the arrest by the Enforcement Directorate, was granted interim bail. And that happened to the Chief Minister, of course. In a crucial observation, the top court remarked that Kejriwal has suffered incarceration of 90 days. However, the Delhi Chief Minister's original plea seeking quashing of his arrest by the ED has been referred to a larger bench now. But remember, despite this relief, Arvind Kejriwal cannot walk out of Tihar jail as he's presently in judicial custody till the 25th of July in the case filed by CBI. The probe agency arrested him on the 25th of June. The Supreme Court, in fact, also refused to get into the topic of whether Arvind Kejriwal should resign as the Chief Minister of Delhi while being in prison. The top court remarked that it does not have the power to order Kejriwal to relieve his responsibility. But the court has put the ball in the Chief Minister's court, saying he can decide if he should step down or not. The Aam Aadmi Party is hailing the bail verdict as they continue to allege conspiracy by probe agencies to keep Kejriwal behind the bars. The Bharatiya Janata Party, on the other hand, said Kejriwal's insistence on jail governance is costing the people of Delhi. Even the Congress is targeting Kejriwal, demanding his resignation. किया गिरफ्तार सीबीआई से सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। ये पीएमएलए काला कानून है। इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा ईडी इज एक्टिंग विद बायस, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री के रूप का कोई भी दायित्व आप नहीं निभा सकते। तो मेरा अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप में नैतिकता नाम की कोई चीज है, अगर जमीर जिंदा है, तो आप स्वयं सोचे कि आपको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि हमें संदेह है कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई दायित्व नहीं निभा सकते तो फिर वो वेतन भत्ते लेने का अधिकार आपको है। तो अगर थोड़ी सी भी अनैतिकता है अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज अगर केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है तो केजरीवाल जी दिल्ली का हाल देखें। दिल्ली के अंदर डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। जिस इलाके में आप खड़े हो यहाँ पे आप पीछे हालत देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, डेढ़ डेढ़ फिट सीवर का पानी भरा हुआ है। इसके बीच में दिल्ली के लोग, और ये दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, नई दिल्ली का ये एरिया है जहाँ की ये बुरी हालत हो रखी है। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती और केजरीवाल जी स्वयं जेल में ना होते।